और फरीदाबाद में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कई कार्यक्रम हैं। धनतेरस महिला सम्मान सम्मेलन में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, शिरकत करेंगे इस सम्मेलन में। और उसके बाद सूरजकुंड दिवाली मेला, जो कि दिवाली उत्सव मनाया जा रहा है, पिछले काफी दिनों से 3 नवंबर से ही ये शुरू हो गया था दिवाली उत्सव, उस मेले का भी समापन समारोह है आज, उसमें भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। फरीदाबाद में आज कई कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के, जिनमें से 2 मुख्य कार्यक्रम हैं। धनतेरस महिला सम्मान सम्मेलन, उसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, और उसके बाद दिवाली उत्सव का भी समापन, उसमें भी बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनतेरस महिला सम्मान सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचेंगे, और उसके बाद दिवाली उत्सव का भी समापन समारोह है, उसमें भी शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं। तो फरीदाबाद का दौरा अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम फरीदाबाद में आज? हितेंद्र, मैं आपको बता दूं, करीब शाम के 4 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल सूरजकुंड पहुंचेंगे, और यहां पर धनतेरस के मौके पर महिला सम्मान सम्मेलन जो रखा गया है उसमें शिरकत करेंगे। महिलाओं को दीप देकर उनको सम्मानित किया जाएगा, और इसके पश्चात ही सूरजकुंड मेला परिसर में प्रथम जो दीपावली मेला लगा था अब की बार, उसका समापन समारोह भी है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर जो है वो मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा विशेष तौर पर अगर बताएं तो यहाँ पर सरयू घाट जो है बनाया गया है, इसमें दीप उत्सव कार्यक्रम रखा गया है, उसमें भी वहां पर भी वो शामिल होंगे, और तमाम तरह के जो मेले में जो लगाए गए स्टॉल उनका भी अवलोकन उनकी तरफ से किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र। तो फरीदाबाद में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम, धनतेरस महिला सम्मान सम्मेलन, और उसके बाद दीपावली उत्सव का समापन समारोह। आज शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचेंगे।